श्री कृष्ण राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का हमारा चाय नाश्ता सब हो चुका है यहाँ पर मैं कर रही हूँ गर्म पानी भाभी के लिए पीने का तो हम गर्म पानी ही देते उसको पीने के लिए और ये दूसरा पतेला उसमें भी पानी भर लिया उसको भी गर्म करने के लिए रखा है जो गर्म पानी की थैली आती है उसमें मैं डाल दूंगी और दे दूंगी भाभी को सेक करने के लिए तो ये ठंडा पानी है उसको मैं निकाल दूंगी और ढक कर रख दिया है वो पानी बहुत ही गर्म हो जाए तब मैं उसके अंदर भरूंगी तो पीने का जो पानी है वो गर्म हो चुका है वो मैं भर देती हूँ बोतल में तो बस इसमें पानी गर्म रहता है तो इसी बोतल में भर कर रखते है तो हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बाद गर्म पानी ही देते पीने के लिए ठंडा पानी हम नहीं देते हैं तो बस साइड में वो वाला पानी है वो भी हो चुका है तो उसको भी मैं भर देती हूँ ये बैग में थैली में तो बस दे दूंगी भाभी को सेक करने के लिए तो ये पानी की बोतल और ये गर्म पानी की थैली वो देकर आती हूँ भाभी को तो भाभी को देकर आ गई हूँ गई हूँ फिर से किचन में तो कल रात को ही मलाई में छाछ डालकर रखा था तो मलाई में से मक्खन निकाल लेते मक्खन निकालने के बाद मैं बनाऊंगी घी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना भूल गई थी तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ थोड़ा पानी डालने से मक्खन जल्दी ही तुरंत के तुरंत निकल आता है वैसे भी मलाई का जो मक्खन है वो जल्दी निकल आता है तो देर नहीं लगती है तो आप देख सकते हैं मक्खन निकल आया है छाछ अलग हो चुकी है मक्खन अलग हो चुका है तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ तो ये वाला ब्लेंडर है मुझे बहुत ही पसंद आया मेरा ऐसा ब्लेंडर नहीं है ब्लेंडर को यूज़ करने के बाद जब भी हमें क्लीनिंग करनी होती है तो आसान हो जाता है इस तरीके से ये पार्ट है जो अलग हो जाता है तो क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है तो बस यहाँ पर मक्खन है वो भी मैं निकाल दूंगी सारा मक्खन तो एक बार मैं ऐसे ही निकाल दूंगी उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश करूंगी तो पतेले में जो छाछ थी वो सारे निकाल दिए फिर से मक्खन उसके अंदर डाला है और ये फ्रिज का चील ठंडा पानी है वो डाल दिया है ठंडा पानी डालने से जो मक्खन है आराम से निकल आता है पूरा इकट्ठा हो जाता है एक साथ आप देख सकते हैं आसानी से वो निकल आया तो मैंने तीन चार बार इसी तरीके से पानी वॉश कर लिया है तो बस सारा मक्खन निकाल दिया है तो चढ़ा दूंगी साइड में पतेले में वहां पर घी बनने के लिए तो साइड में, में मेरा दूसरा काम है वो भी करूंगी तो आप देख सकते पूरा जो मक्खन मेल्ट हो चुका है तो यहाँ पर जो घी है आधा बन चुका है थोड़ा सा ही देर है बनने में घी बनने में तो बस यहाँ पर घी मेरा हो चुका है इसको मैं अलग ट्रांसफर कर दूंगी डिब्बे में तो शुद्ध देसी घी गाय का हमारा तैयार है घर पर रेडी है तो घर का बना हुआ घी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने रख दिया है डिब्बे के अंदर अब ठंडा होगा उसके बाद ही मैं उसका ढक्कन लगाऊंगी तो ये है जासूद के फूल का तेल परसों मैंने बनाया था तो फिर जो ऑयल कम पड़ गया था तो फिर कल मैंने दूसरा मंगवाया और पूरी रात के लिए इसके अंदर डालकर रखा था तो इसको आज मैं पूरा छान लूंगी जो ये दुपट्टा आता है जो हमारा ड्रेस का जो कॉटन का होता है उसके अंदर मैं छानूंगी तो मेरे बालों में बहुत ही हेयर फॉल हो रहा था इसलिए मैंने ये घर पर बनाया है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो बस इस तरीके से जो क्रंची हो जाए तब तक आपको उसको पकाना है तो जो उसके अंदर फूल और पत्ते है मैं इसी तरीके से उसको हाथ से मसल दूंगी ताकि उसके अंदर जो भी विटामिन है वो तेल में ही रह जाए तो बस दुपट्टे के अंदर मैंने इस तरीके से छान दिया है सारे तेल को और अच्छे से जो दबाकर मैं पूरा तेल जो निचोड़ दूंगी तो ये मैंने हेयर फॉल के लिए घर पर बनाए है हम मार्केट में से खरीदते हैं तो बहुत ही महंगे महंगे तेल मिलते हैं तो घर पर ही हम इसी तरीके से कुछ जुगाड़ लगा कर कर सकते हैं तो बस जासूद के फूल और पत्ते घर के पास बहुत थे तो मैंने वहाँ से तोड़ लिया है और नारियल का तेल लेकर उसके अंदर मैंने तेल बना दिया है अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना बहुत ही आसान तरीके से जो तेल बन जाता है तो बस मैंने यहाँ पर तेल है वो छान लिया है तो बस कंटेनर में मैं भर दूंगी तो यहाँ पर मैं मम्मी के घर पर हूँ तो मैं इसी कंटेनर में भर कर जा रही हूँ क्योंकि तेल का डिब्बा था लेकिन वो पूरा अच्छे से खुल नहीं रहा था तो मैंने अलग डिब्बे में ही भर दिया तो एक छोटा वाला मम्मी रखेगी और बड़ा वाला वो मैं रखूँगी तो हमारा तेल बनकर एकदम रेडी है तो हेयरफॉल में बहुत ही काम आता है तो यहाँ पर बैठ कर कर रही हूँ खाने की तैयारी जो सब्जी है वो कट कर रही हूँ तो आज बनानी है भिंडी की सब्जी तो वही बैठ कर कट कर रही हूँ और कल मैंने बालों में जो ये तेल बना वही लगाया तो मुझे बाल वॉश भी करने हैं तो बस पहले सब्जी काट लेती हूँ उसके बाद ही जो मुझे वॉश करने बाल वॉश करने के लिए जाऊँगी तो बस भिंडी जो मैंने कट कर दी है अब मैं बाल है वॉश कर देती हूँ तो बालों को धो लिया है कल मैंने डाला था ऑयल यही वाला जो बना है वही डाला था तो आज फिर से बारिश हो चुकी है शुरू तो दो दिन से बारिश हो ही रही है और बहुत ही तूफान जैसे आता है इस तरीके से पवन होता है सुबह के टाइम तो धूप होती है लेकिन दोपहर का एक बजता है एक या डेढ़ बजता है और तुरंत के तुरंत बारिश शुरू हो जाती है तो आज तो बहुत ही पवन था जैसे कि आंधी तूफान आया और इस तरीके से बहुत सारे पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहे थे तो बहुत जोर से बारिश शुरू हो चुकी है पिछले दो दिन से ऐसा ही हो रहा है दोपहर होती है और अचानक से बारिश आ जाती लेकिन आज तो बहुत ही जैसे कि तूफान आया इस तरीके से पवन था और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हमारे एंट्रस है वहाँ पर भी पूरा पानी पानी आ चुका है इतना जो तेज पवन था इतनी जैसे कि आंधी तूफान आया हो आप देख सकते कितना सारा पवन है सारे पेड़ इधर के उधर हिल रहे थे तो ये शूट किया मैंने छत पर से जो बारिश रुक गई थी तब मैं ऊपर आई थी तो बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा था नजारा ये तो ये बारिश होने का बाद का नज़ारा है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं सूट करती हूँ अभी भी बारिश हो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही कि हम बाहर नहीं आ सकते बस थोड़ी थोड़ी ही इस तरीके से हो रही है तो बस आ चुकी हूँ नीचे तो यहाँ पर कपड़े जो सुबह जल्दी ही डाल दिए थे पता है दो दिन से ऐसा ही होता है कि एक डेढ़ बजता है और बारिश शुरू हो जाती है तो सुबह मम्मी ने पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए है तो एक बजे तक सारे कपड़े सूख गए थे तो मम्मी सारे अंदर लेकर आ गई थी और थोड़ी देर हम दोनों जन सो गए थे तो बस उठकर यहाँ पर बारिश में थोड़ा सा मैंने सूट किया अब यहाँ पर कपड़े है वो सारे फोल्ड कर देंगे तो बहुत सारे बेबी के कपड़े हो जाते हैं तो ये सारे कपड़े ऊपर भाभी के रूम में देने हैं तो बस इसी तरीके से एक दुपट्टे में मैं ऐसे बांध देती हूँ फिर ऊपर रूम में लेकर जाना होता है तो फिर सारे कपड़े जो हाथ में ऐसे लेकर जाएंगे तो बिखर जाते हैं तो बस मैं इसी तरीके से जो नोट बांध कर रख देती हूँ तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर ऊपर भाभी के पास तो ये है हमारा छोटा बेबी इसके साथ हम थोड़ी देर खेलते हैं तो बस अभी उसको दूध पिलाया है तो मैं इस तरीके से उस को लेकर बैठी हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि दूध पिलाने के बाद इसी तरीके से आपको बच्चे को रखना है तो थोड़ी देर इस तरीके से रखा अब हमने छोटा बेबी को सुला दिया है और यहाँ सामने है ये मेरी भाई की बड़ी बेटी वैष्णवी तो ये हमारा छोटा बेबी अभी तक उसका हमने नाम नहीं रखा है उसकी राशि भी मेरी राशि आई है मेष राशि तो बस सोच रही इसका नाम क्या रखते हैं तो तो बस इसी तरीके से जब भी घर के काम करने के बाद टाइम मिलता है तो हम तुरंत के तुरंत हमारा छोटा बेबी के पास आ जाते हैं खेलने के लिए तो हमारी क्यूट गुड़िया सो चुकी है तो अब चलते हैं नीचे क्योंकि आज वॉशरूम है उसके सारे नल इस तरीके से जंक लग गए तो उसकी करनी है क्लीनिंग तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हो चुके हैं तो मम्मी को थोड़ा सा भी ज़्यादा काम हो जाता है तो मम्मी कर नहीं पाती है तो थोड़ा सा इस तरीके से हो चुका है वॉशरूम तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोलगेट तो जो सारे नल है वहाँ पर मैं इसी तरीके से सारे में कोलगेट लगा दूँगी तो इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो जितने भी नल है जहाँ मुझे जा लग रहा है कि इसमें जंक आ चुका है वहाँ पर मैं हाथ से इसी तरीके से सारे में पहले कोलगेट लगा देती हूँ फिर एक के बाद एक हम नल की क्लीनिंग करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें भी कोलगेट लगा लिया है और स्क्रबर में थोड़ा सा और कोलगेट ले लिया है बस इसको हम रगड़ना स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हैं थोड़ा ही हमने क्या रगड़ा है कि आप देख सकते हैं कितनी साइन आ चुकी है नल में तो बस इसी तरीके से सारे जो नल है वहाँ पर मैं इसी तरीके से क्लीनिंग कर दूंगी और बिल्कुल भी आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा सफाई करने में क्योंकि आसानी से तुरंत के तुरंत ही क्लीन हो जाता है और आप देख सकते हैं आपकी नज़र के सामने ही मैंने किया है और किस तरीके का जंक था और कितना एकदम साफ एंड क्लीन हो चुका है तो ये दूसरा नल है वहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से कोलगेट लगा दिया था तो इसको भी मैं इसी तरीके से स्क्रबर से रगड़ूंगी तो तुरंत के तुरंत ही निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं इसमें भी आसानी से निकल गया तो बस हम महंगे महंगे जो क्लीनर खरीदते हैं चीज़ें खरीदते हैं तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हमारे आस की चीज़ों से हम अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं तो सारे नल है वो मैंने क्लीन कर दिए है तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हम रखते हैं कोलगेट ब्रश साबुन है वो सारी चीजें मैं वहाँ से हटा दूंगी ताकि मैं वहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ तो ये कोलगेट रखने का जो बॉक्स है वो फोल्डेबल है तो मैंने बाहर की तरफ निकल लिया है ताकि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से इसी तरीके से वॉश कर दूंगी तो ऐसे ही जब हम सफाई करते रहते हैं हफ्ते में एक बार तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो आजकल मम्मी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो चुका है और एक मैंने पुराना टूथब्रश यहाँ पर रखा है ले लिया है इससे हम जहाँ कोने कोने में हमारे हाथ अच्छे से नहीं पहुँचते वहाँ पर यह टूथब्रश से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो बस इसी तरीके से जब कुछ कुछ जुगाड़ लगाते हैं छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखते हैं तो फिर आसानी से हम क्लीनिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे में क्लीन कर दिया तो ये सारे टूथब्रश है मैंने उसको अच्छे से पानी से वॉश भी कर लिया तो सारे मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो कोलगेट का उसको भी मैंने पानी से धो लिया है तो सारे जो अच्छे से वॉश कर कर सारी चीजें फिर से वहाँ पर लगा दी है अब बारी आती है मिरर की तो मिरर को भी मैंने कोलगेट से ही साफ किया स्क्रबर में थोड़ा सा कोलगेट लेकर अच्छे से मिरर को घिस लिया और पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है न्यूज़पेपर से जो मिरर है उसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है बिल्कुल भी उसके अंदर दाग धब्बे नहीं रहे अच्छे से पूरा डीप क्लीन हो चुका है तो अब बारी आती है सिंक की उसको भी क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम ब्रश वगैरह वहीं पर करते हैं फेस वॉश हमारा करते हैं तो उसको भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है तो इसी तरीके से हम क्लीनिंग जो हफ्ते में एक बार कर देते हैं पूरा डीप क्लीन कर देते हैं तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है और तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाता है अगर हम नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारा गंदा होता रहता है फिर हमें क्लीनिंग करने में भी बहुत ही परेशानी होती है तो बस पूरा जो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है वॉशरूम तो बस नीचे का फर्श है वही बाकी है करना तो उसको भी मैंने अच्छे से जो रगड़ लिया है साफ़ कर लिया है तो बस आज का वीडियो इतना ही आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करे, करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय बाय